हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे 11th क्लास के टॉपिक की। और 11th क्लास में आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में। प्रैक्टिकल यूनिट्स हमने डिस्टेंस के लिए तो कर ली थी, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कुछ अलग प्रैक्टिकल यूनिट्स। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेजरिंग ऑफ एरिया, यानी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट होती हैं जिसमें हम एरियाज को मेजर करते हैं। स्मॉल एरिया भी मेजर करते हैं, लार्ज एरिया भी मेजर करते हैं। तो सबसे पहले देखें बर्न, एक यूनिट होती है बर्न। पहली बार सुन रहे होंगे आप सभी। बर्न जो यूनिट होती है वो स्मॉल एरिया को मेजर करने के लिए यूज होती है, और वन बर्न में 10^28 मीटर स्क्वायर होते हैं। कितने होते हैं? 10^28 माइनस, इसीलिए ये स्मॉल यूनिट होती है। इसका मतलब ये होता है कि 1/10^28 मीटर स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं कितनी छोटी यूनिट। दूसरा, आप एकड़ की बात करते हैं। एकड़ आपने सुना होगा, आपने गांव वालों को कहते हुए सुना होगा कि भाई कितने एकड़ खेत हैं या कुछ भी है। तो एकड़ जो होता है वो लार्ज एरिया को मेजर करने के लिए होता है। इट इज यूज फॉर मेजरिंग लार्ज एरिया को मेजर करने के लिए होता है। और एक एकड़ में 4047 मीटर स्क्वायर होते हैं, यानी कि मीटर स्क्वायर का मतलब होता है वन गज। गज मतलब जो आप अपने घर को नापते हो या अपने प्लॉटों को नापते हो, तो 4047 मीटर स्क्वायर। हेक्टेयर देखते हैं। हेक्टेयर जो होता है ये भी बहुत ही ज़्यादा एरिया को मेजर करने के लिए होता है, और इसमें अप्रॉक्स 1000 मीटर स्क्वायर या 10,000 मीटर स्क्वायर को मेजर करने के लिए होता है। तो बेसिकली हम 10^4 को काउंट करके देख लेते हैं। 10^4 का मतलब 40, तो ये आपका 10,000 मीटर स्क्वायर को मेजर करने के लिए होता है। तो 1 हेक्टेयर 10^4 मीटर स्क्वायर को मेजर करेंगे। प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर लार्ज मासेस, यानी कुछ मास भी हम इससे मेजर करते हैं, लार्ज मास। जैसे आपने सुना होगा 1 टन, इसको मेट्रिक टन भी बोलते हैं, और इसमें 1000 किलोग्राम होते हैं। आपने सुना होगा क्विंटल, क्विंटल तो सभी ने सुना होगा। क्विंटल का मतलब होता है 100 kg। स्लग, 1 slug, ये आप पहली बार सुन रहे हो, ये आपका एक प्रैक्टिकल यूनिट्स में ही आता है। और 1 slug में 14.57 किलोग्राम होते हैं। और 1 pound की बात करें, पाउंड में आप रेसलर वगैरह जो होते हैं उनके वेट वगैरह होते हैं, तो पाउंड का मतलब होता है LB, और इसमें 0.4536 किलोग्राम होते हैं, यानी लगभग आधा किलोग्राम, अप्रोक्स हाफ kg, 0.4536 किलोग्राम। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग प्रेशर। प्रेशर जो है आपका फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी आप किसी भी जगह पर प्रेशर लगाओगे तो प्रेशर का किसी पर्टिकुलर एरिया पर आप फोर्स लगा रहे हो। तो प्रेशर को हम बार में भी नापते हैं। बार एक यूनिट होती है, और 1 bar मतलब आपके एटमोस्फियर में लगने वाला प्रेशर, क्योंकि आप सीधे खड़े हो तो प्रेशर की वजह से खड़े हुए हो, क्योंकि चारों तरफ से आपके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है जिस वजह से आप खड़े रह सकते हो। तो 1 bar 1 atmospheric प्रेशर के इक्वल होता है। बहुत सी जगह आप ATM देखते हो इसे, इसका मतलब होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर। और एटमोस्फेरिक प्रेशर में 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, और इसको हम 10^5 पास्कल भी बोलते हैं। पास्कल भी एक यूनिट ही होती है आपकी प्रेशर। मिली बार की बात करते हैं। मिली बार मतलब कि 10^-3 इसमें से हट जाएगा, और 10^-3 हटेगा क्योंकि मिली का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ 10^-3। तो 1 bar में 10^5 होते हैं, तो मिली बार में इसमें से -3 कर दो तो 10^2 पास्कल बचेगा। टॉर, एक टॉर में प्रेशर को मेजर करने के लिए एक स्केल होता है, इसमें मरकरी भरी हुई होती है, पारा, और मरकरी भरी हुई होती है। तो 1 mm अगर HG कॉलम का हाइट है, HG कॉलम मतलब मरकरी कॉलम की हाइट है 1 mm, तो उसे 1 torr बोलेंगे। 1 atmospheric pressure मैं आपको बता चुका हूँ 1 bar के इक्वल होता है, और इसे अगर टॉर में चेंज करो तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी मर्करी कॉलम की, 760 mm ऑफ HG कॉलम, 760 mm ऑफ HG कॉलम। ये स्केल होता है जिसमें मर्करी भरी हुई होती है, और उसकी हाइट बढ़ती रहती है जैसे प्रेशर आप अप्लाई करते रहोगे। नेक्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट यूज फॉर मेजरिंग टाइम को मेजर करने के लिए, आपने सुना होगा सोलर ईयर। सोलर ईयर का मतलब जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड कितने टाइम में घूमती है, उसे सोलर ईयर कहा जाता है।
और एक सोलर ईयर में 365.25 डेज होते हैं। बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर में लीप ईयर बनता कैसे है, एक मंथ में एक दिन की वजह से, और वो मंथ होता है 29 डेज का, और उसे फेब कहते हैं, यानी फरवरी कहते हैं। नेक्स्ट लूनर मंथ की बात करते हैं। लूनर मंथ जो होता है वो आपका जो सन, जो आपका मून होता है वो रोटेट करता है, उसके रोटेशन को 27.3 डेज लगते हैं। जैसे आपने सुना होगा हिंदी कैलेंडर, जिसमें आपने ऐसा आठ भादव कुछ इस तरीके से मंथ सुने होंगे, तो वो आपका ये लूनर मंथ में ही आता है। तो ये आपके कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स है, इसे अच्छे तरीके से पढ़ें, जो आपके आगे काम भी आएंगे बहुत ज़्यादा 11th क्लास, तो अच्छे तरीके से पढ़ें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।